टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल में पढ़ने वाली तमाम छात्राओं को जो भास्कर नगर से पढ़ने जाते हैं, इन छात्राओं को अब बस सेवा सुविधा मिलने से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष और परिवहन समिति सदस्य शमीम खान की मांग पर कलवा के भास्कर नगर से ठाणे माहगिरी स्थित अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल तक टीएमसी की 82 नंबर बस चलाई जाएगी। इस बस के चलने से करीब 200 से 250 छात्रों को फायदा पहुंचेगा। इस 82 नंबर टीएमसी बस का उद्घाटन खुद रूता अभाट ने रिबिन काटकर किया है और इस मौके पर खुद शमीम खान और रूता अभाट एनसीपी के और कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बहरहाल बस के उद्घाटन के बाद शमीम खान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। आप जो बस यहाँ से चालू किया है लड़के लोग के लिए, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के टीचर्स प्रिंसिपल हैं, खास करके अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल के, वो एक डेलीगेशन जा करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से मुलाकात किया था। आज के 15 डेज के पहले की बात है, मुमरा में। तो साहब का आदेश था कि ये एक स्लम इलाका है, यहाँ गरीब बस्ती है। मिलिंद पाटिल जी ने भी बात किया था, महेश शालवी जी ने भी, हमारे प्रकाश पाटिल साहब ने भी। तो इसके लिए हमारी मांगनी थी कि यहाँ से माहगिरी के लिए बस चलाई जाए और जो अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल है वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं आप, इन्होंने बताया था, प्रिंसिपल सॉरी आप वहाँ हैं तो उन्होंने बताया था, आप टीचर हैं, आपने बताया था कि सर बच्चों को आने जाने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि यहाँ से वहाँ ट्रेन तो जा नहीं सकती है या बच्चे रिक्शे में जाएंगे तो उनके पेरेंट्स के पास में इतने पैसे की फैसिलिटीज़ नहीं है, वो इतने माली हैसियत में मजबूत नहीं है कि उनके लिए ये किया जाए। उन चीज़ों को देखते हुए हमारी मांगनी थी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे टीएमडी के व्यवस्थापक का, चेयरमैन साहब का, कि उन्होंने इस बात की मंजूरी दिया। इसमें हमारे सम्मानीय सदस्य, हमारे भाई प्रकाश पाटिल जी और मोहसिन शेख और नितिन पाटिल, इन सबका सहयोग रहा है और मैं आशा कर दिलाता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ आप लोगों को कि हम लोग डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में इस तरीके से जहाँ जहाँ पे भी कोई बस की ज़रूरत हो, फैसिलिटीज़ ना हो, उसके लिए आकर के रबता कायम करें। कलवा में है तो हमारे मिलिंद पाटिल जी, हमारे सम्मानीय नेता और यहाँ पे हमारे बाकी नगर सेवक लोगों से इंशाल्लाह ताला हर फैसिलिटीज़ को मुहैया कराएंगे। शमीम भाई, हमको पता चला था कि 17 बार इसको आप, ये जो प्रस्ताव था इसको कैंसिल किया गया था, बाद में आपने किसी तरीके से उसको एक्चुअली देखिए, अगर मैं आपने ये पूछ लिया, बता दूँ आपसे मैं कि सही बात है कि कहीं ना कहीं बस नहीं दी जा रही थी, तो परसों रात में 11:30 बजे मैं मंत्री जी के साथ था। मंत्री जी एक शादी में गए हुए थे मुमरा में। मैंने कहा साहब व्यवस्थापक जी कहीं ना कहीं मेरी बातों को, प्रकाश पाटिल जी की बातों को अवॉइड कर रहे हैं, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रिंसिपल्स बार बार आपसे विनंती कर रहे हैं कि आप बस चालू करो। तो मंत्री जी ने 11:32 को कॉल किया था व्यवस्थापक जी को और कल इमरजेंसी कॉल लगाई गई और कल हमको ऑर्डर दे दिया गया।